हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि हमारे बालों के लिए भी, आंखों के लिए भी और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको तो हमें डाइट में 1 स्पून डेली लेना ही चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं आंवले का मुरब्बा। इसे जैसे कि मैंने ले लिया है आंवला, आंवले को अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद हम इसको करेंगे कद्दूकस। आंवले को करना है कद्दूकस। इस तरह से हम मिक्स इसको कद्दूकस कर लेते हैं। और देखिए, इस तरह हमें जो आंवला है ना, आंवले को मतलब गोल टाइप में इसको कद्दूकस करना है। और इसका जो गुठली है ना बीच की, तो उसको हमें कद्दूकस नहीं करना है, थोड़ा सा इसको छोड़ देना है, वरना हमारे जो मुरब्बा रहता है ना, मुरब्बा में कड़वाहट आ जाती है। देखिए, इस तरह से हमें अपना कद्दूकस कर लेना है आंवले को। और हाँ, इस तरह से हमारा आंवला मुरब्बा के लिए कद्दूकस करना है। और हमारा जो गुठलन है ना, जो रह जाएगी, तो उसको आप इसको पानी में बॉईल करके अपने बालों में भी डाल सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए भी। और मैंने सभी कद्दूकस कर लिए हैं। और इसके लिए फिर ले लिया है मैंने गुड़। गुड़ आप वाइट वाला और ब्लैक वाला भी आता है, इसमें मैंने ले लिया वाइट वाला। अब मैंने पैन रख दिया था गैस पर। गैस पर पैन रखने के बाद डाल दिया घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मिर्ची, थोड़ा क्या है हरी मिर्ची डाली है, तीखा थोड़ा सा, मीठा और तीखा जो मिक्स होता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने कद्दूकस किए हुए आंवले डाल दिए हैं। देखो, इस तरह से हमें चलाना है इसको, कद्दूकस किए हुए आंवले को, तो हल्का सा चलाते हैं। क्या उसको पकाना है कम से कम 5 मिनट के लिए। मैंने ढक के रख दिया है। इससे क्या है कि हमारा जो आंवला है ना, 50% इसमें पक जाएगा। फिर हमारा जो गुड़ हम डालेंगे, तब उसमें 50% वहाँ पकेगा। देखिए, इस तरह से अब यहाँ पर अपना गुड़ है ना, जो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद हमारा जो कद्दूकस सूख किया हुआ आंवला था ना, वो पक चुका था 50%। और इसके बाद देखिए, इस तरह से हमें चलाना है। गुड़ को भी हमें आंवले में मेल्ट करना है। देखिए, इस तरह से हमारी जो गुड़ है ना, वो बिल्कुल एकदम मिल चुका है पानी, मतलब कि हाँ, वो पक गया है हमारा आंवला भी। और देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने मुरब्बा में बनाने के लिए, आप अगर ड्राई फ्रूट जो भी आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट है उसको डाल दीजिएगा। और हमारा मुरब्बा तैयार है। आप इसको स्टोर करके भी रख लीजिएगा, एक महीने के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। आप इसको डाइट में यूज कर सकते हैं। चलिए, मुरब्बा तैयार है। तो 2 लाइन तो बनती है ना, वो कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, ना कि सोना चांदी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।